तुम लोग नायगांव, ये कौन है आपके भाई? अभी क्या आया इनके आंग में पता है आपको? जिन्नात आया ये। क्या रे, कब से था तू बच्चे के आंग में? ए कैमरा पकड़ो जैसा कि कट जाता हूँ, सीधा पकड़ो उसमें, लगा पूरी ताकत लगा जरा जोर से। हाँ चल बोल, क्या बोले थे? बच्चे को मार दो बोले थे, गाड़ी से मार दियो। जोर से बोल, जोर से, सब गाड़ी से मार दियो। कैसा? गाड़ी से। गाड़ी से, गाड़ी से क्या करके मारो बोले थे? हाँ, गाड़ी से एक्सीडेंट करके मार दियो। हाँ अच्छा, इस घर में और किस किस को मारने वाले हैं? हाँ किसको नहीं, मेरे बड़े बच्चे खुद भी को। अच्छा इसका बड़ा बच्चा किसको? और मैं खुद अंदर अपने जान देता। अच्छा और घर से बाहर नहीं निकल देता। तेरे लाए कहाँ से? शमशान से लाए, कब्रस्तान से लाए, कहाँ से लाए पकड़ के? सही बोल, जरा भी छल करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ही मिनट में टुकड़े कर दूंगा तो। हाँ बोल, हाँ बोल जल्दी। हाँ शमशान से लाए थे, कब्रस्तान से लाए थे। हाँ धनगर के पास से लाए थे। धनगर कहाँ रहता वो? धनगर बिल्किन में। बिल्किन में क्या है ये? बिल्किन कहाँ रहता? बिल्किन क्या है ये? अच्छा धनगर को कितने पैसे दिए थे? 5,000। कितने? 5,000। अच्छा अच्छा, इसके बच्चे को भी खिलाए? नहीं, बड़े बेटे को खिलाए। इसके नहीं, अभी खिलाने वाले। क्या नाम है इसका? रब्बानी। रब्बानी के बेटे को भी खिलाए? हाँ। और कौन से बच्चे खिलाने वाले थे? बड़े बेटे को। अच्छा मामा से क्या मिले? और उसके बाद में क्या बोलते थे? कितना टाइम हो रहा खिला कर उसको? डेढ़ महीना हो गया। तबियत कब से खराब है? 2 महीने से खराब हो गया है। सही बोल, कब खिलाए थे? डेढ़ महीना पहले खिलाए थे। किस चीज में मिला कर खिलाए थे? पेड़े में। कहे में? पेड़े में। अच्छा जो पूछा मैं उसका सवाल का जवाब देना, रुक जाए एक मिनट। कोई सवाल तुझसे नहीं कर रहा, चलते रहे तेरा कंटिन्यू, उसको जकड़ते रहो तेजी से। इधर सवाल कर रहा हूँ मैं लोगों को, नामा पूछाने के, किसने खिलाया तो? हाँ, मगर जवाबदारी मेरी नहीं रहेंगी नाम आने के लिए, तो तुम जानो वो लोग जानो, मेरा कुछ नहीं रहेगा उसके अंदर। तुम नाम पूछ के ले रहे, अब मैं नाम पूछूंगा तो मेरा कुछ नहीं उसके अंदर, वो तुम्हारा अंदर उसके अंदर का शैतान बोल रहा। तुम जानो जिसके नाम निकले उन्हें जानो, बाद में मेरे को लिख के देना फॉर्म, ठीक है? फोटो लाए के साथ में इसका, जो भी नए पेशेंट आएंगे उन्होंने अपने अपने पेशेंट की एक फोटो लाना, साथ में जो भी जिम्मेदार आ रहा उसकी एक फोटो लाना, दोनों के आधार कार्ड की जरूरत लाना अगर नाम पूछाना है तो। और मेरा कुछ नहीं रहेगा, जो भी नाम निकला वो तुम जानो, तुम्हारे पेशेंट जानो, जो भी नाम निकले उन जानो। हाँ चल रहे कंटिन्यू बोल, अब किस चीज में खिलाए थे? पेड़े में। अच्छा औरत थी आदमी था वो? औरत आई दो। अच्छा क्या नाम है दोनों का? एक का गजरा है। जोर से बोल, गजरा है। क्या नाम है? गजरा है। हाँ दूसरी का? उसकी बहन है। क्या नाम है उसका? उसका नाम नहीं याद। कैसा याद नहीं तुझे? हाँ जमीला है, जमीला। सही बोलने तो अभी काट दूंगा, तो टुकड़े कर दूंगा। हाँ बोल, जमीला है। ये जमीला कौन है? कौन है ये जो नाम वाले रहने, तो कौन है ये? कौन लेडी है जिसका नाम ले अभी जमीला बोला? तो बेचारी साथ गद रही थी, गाजर रखी थी, साथ रही थी कोई लेडी? तो दोनों ने मिलके करे। एक वाहिद भी है। हाँ कौन है? वाहिद। जोर से बोल, वाहिद। कौन है वाहिद? जोर से बोलो, पूरी दुनिया देख रही तुम। आप देवरानी का भाई? क्या नाम ले रहा हूँ बोल रहे? कौन है वो? वाहिद। इसका रिश्ते में कौन होता वो? हाँ कौन होता वो इसका रिश्ते में? साला आओ। क्या दुश्मनी थी उन्हें? कल करेंगे इसको मैं गालियां दिया था। अच्छा कब दिया था इन्हें उसको गालियां? रब्बानी दिया था। ओ, कब दिया था? 20-25 दिन हो गए। सही बोल,
20-25 दिन हुए। कैपे से झगड़ा चल रहा था ये? माइस के ऊपर से ही। कैपे से? माइस के ऊपर से ही। मारे भाई की जमीन लिया था मेरे भाईजा ने तो 2 लाख का। उन्होंने बीच में आगे मेरे को गाले दिए, फिर मैंने गाले दिए उनको। तो जब से मैं बीमार होगा अब इसको मारो कैसा बोले थे? मारो कैसा बोले बच्चे? क्या गाड़ी से मारो पानी को? ये लूट डालेगा तुमको सबको ऐसा। फिर उसके बच्चे की क्या दुश्मनी थी रब्बानी? बेटे को कहीं मार रहे थे उसके? बेटे को पहले दिया उन्होंने, फिर भी कुछ। अच्छा उसको पहले खिला दिए थे? तो उसको क्यों मारना चाह रहे थे? क्या मालूम यार, बच्चा बहुत काम करता मेरा। सही से बोल। फिर बच्चा बहुत काम करता मेरा, मैं गाड़ी का माल चलाता उधर से गुजरात से, मेरा बच्चा काम करता। तुझे उन्होंने लाया, तुझे पकड़ के उन्होंने तुझे शमशान से लाया, कब्रिस्तान से लाया? शमशान से लाया। तूने इससे पहले कितने लोगों को मारा था? सही से बोल। किस बुक ने मारा मैंने अभी तक? पहली बार इसे मारा था। तेरा मरने से पहले क्या नाम था तेरा? मरने से पहले क्या नाम था? तू हिंदू था मरने से पहले? मुसलमान था? हिंदू था। फिर क्या नाम था तेरा? थोड़ा क्या नाम था तेरा? सज्जू। कांच को था खींच के था लगा हुई हूँ इधर, इतना क्या डर रहे? हाँ बोल रहे। संजू था। क्या नाम था? संजू। संजू था। कितनी एज थी तेरी मरते वक्त? 30। 30 साल का था। कैसा मारा था तू? गाड़ी से। क्या गाड़ी से? एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट से मारा था। शादी हुई थी तेरी मरने से पहले? बच्चे कितने थे? 2। अरे रे रे। कौन से गांव का था तू मरने से पहले? बेड़किन का। हां बेड़किन का। कितने साल हो रहे तुझे मर के? 10-11 साल हो रहे। 10 साल हो गए। तुझे भी कोई जादू करके मारा था क्या तेरे रिश्तेदारों ने? नहीं। ऐसा ही मर गया था? ऐसे ही मर गया था। तो तुझे वो जादूगर ने पकड़ा? कहां से पकड़ा उन्होंने तुझे? बेड़किन के शमशान से। कितना टाइम हो रहा तुझे पकड़ के उन्हें? 1.5 महीना हुआ। ये सब गलत है, एक दूसरे की जिंदगी ऐसे बर्बाद कर देना जादू टोने करके, एक दूसरे को एक श्रेणा करके मार देना बहुत गलत बात है। ला या रहमुल्लाहु मल्ला या रहमुन्नास, अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। तुम ऐसा लोगों के बच्चों को मारेंगे तो तुम्हारे भी बच्चे है ना, कल को दुनिया आईना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया आईना है, आईने के अंदर तुम जैसा देख के करोगे सुलूक वैसा तुम्हारे साथ अंदर से जवाब आएगा। सुलूक में सेम, तुम आईने को छुड़ाओ अंदर से उन्हें तुम्हारा को छुड़ा था, तुम उसको झुक के सलाम करो अंदर से झुक के सलाम होता। तुम अगर ऐसा लोगों की एक दूसरे की जिंदगी ऐसे बर्बाद करेंगे तो तुम भी तो सुकून के अंदर नहीं रह सकते। बहुत बहुत बुरी बात है, ये सब ऐसा नहीं करना। इसलिए सख्त मना करे आला हदीस के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जादू टोने के करीब मत जाओ। जादूगर के पास जो जाता वो हमें से नहीं है, वो हमें से नहीं है, वो हमें से नहीं है। जादूगर भी हमें से नहीं है और जादू टोना करने वाला भी हमें से नहीं है। तुम अगर जादूगर के पास जाते जादू टोना करे तो तुम्हारी 40 दिन की इबादत रद्द कर दी जाती और उसके बाद से आगे और 40 दिन तक तुम्हारी इबादत रद्द कर दी जाती। क्या मतलब का? अपने जिंदगी अपने हाथों से तुम जिंदगी भी खराब कर रहे दूसरों के, और तुम ये सोच के कर रहे कि हमारा कुछ नहीं, तुम्हारे भी लाइफ खराब हो जाते, तुम्हारे भी बच्चों के आड़े आता ऐसे कुछ करेंगे तुम तो। क्योंकि अल्लाह की दुनिया है, दुनिया तुम्हारे बाप की नहीं है ना। लोग बोलते इन्हें राजा, उन्हें राजा, उन्हें इतने प्रांत का राजा, उन्हें तुम्हारे सांसों पर हुकूमत करने वाला अल्लाह है, वो ओरिजिनल बादशाह है। ये सब नहीं करना, ये बिल्कुल गलत गलत बात है। मारेगा क्या जब झगड़ो उसको? और झगड़ा करो। और क्या कर रहा था तू परेशानी? और बहुत पैर दुखा था। क्या करता था? पैर दुखा था। हाँ और क्या करता? पैर उसे चलना नहीं आता। अच्छा उसे चलने नहीं आता था। और क्या कर रहा था? सर दुख कर रहा था, सर जाम कर दिया था। हाँ ऐसा हो रहा था क्या उसको? क्या हो रहा था जोर से बोलो। सर जाम कर दे रहा था, पैर उसे चलने नहीं दे रहा था। और अभी भी ऐसे पूरे पैर में मुंगे कर दिया। अभी तो इतना मुश्किल है ऐसा, इतना ये करते। दवा और कितने बार खिलाए उसको? 2-4 मरतब खिलाए। 4 बार। इससे पहले कहीं हाजिर हुआ क्या इसके आंग पे? पहले तो ले गए होंगे तुम दवा पानी को कहीं? ले जाए थे। हाजिर हुआ था क्या? खाली घबराहट हो रही थी। हाजिर हुआ था क्या? सॉल्व जॉब हुई क्या कहीं?
क्या करो, टुकड़े करो, देखा कैसा मारते हैं, देखा ना, जकड़ो करो उसको, हटो पीछे से, कोई टच मत करो, करेगा दोबारा परेशान करेगा, तोड़ने लगा देता हूँ दोनों भी हो। गुजरात को जाता है, कहीं भी जाता है, इसका इसका दाता करता है। इसके बाद लोग बहुत आते आपको शक था इस पे, कितने लोगों को खाना खिलाता, इसको गरीब चीज आती ये तो कोई दुश्मनी का रीजन नहीं दिख रहा, सही से दुश्मनी का बता क्या था तो रीजन दादे का जे और सब कोई तुम्हारे रीजन जिठानी है, जिठानी सारी जिठानी भाई नहीं कर देते हो उससे, भाई ने धंधे पे दिल नहीं हो रहा था, धंधे मारा क्या, अरे उस घर से बाहर कौन नहीं निकलने दे रहा था, घर में चिड़चिड़ कौन कर रहा, कर रहा करा रहा भाई ये, हाँ उस दिन से जीजा उस दिन से घर में से बाहर से मैं गुजरात जा रहा था, गुजरात को भी जाते भी को मेरी इससे पहले भी महेश मर गई, फिर और एक बार मर गई, तू मारा था क्या उसकी महेश, तू मारा होगा जान एक बार से था बोला जीने से इसको कब मारने वाला था इसको, अम्मा इसको कौन से वाली अम्मा, आने वाली अम्मा से मारना था, कैसा गाड़ी से, क्या करके वो गाड़ी चला था, वो कुछ ट्रक से बिड़ाने वाला था, अभी जुलूम होगा ना अभी तुम्हारे लोगों का, बाप दादा को तुम्हारे घर चल रहा क्या, शैतानों के कमीनों, इसके भी आंगों में जाके कोई भी बोल दिया तो जादूगर का सुन के जाना लेने की कमाल दी, अब कैसे मारने लगा रही है, अब देखा किसका राज चलता, तो देख अब तेरा राज समझ रहा था दुनिया पे, देख किसका राज है, तो अब मैं पहले से 10 लाख को अंदर होया, फिर भी मैंने हिम्मत आ रहा नहीं, वो कौन करा रहे थे इसको, सही से बोल, चेंज करा रहे थे, मेरा मैसा मर जा रहा है, मैसा दूध दे रहे नहीं लोगों पास से वापिस ला रहा है भाई, नाम रब्बानी की औरत को भी खिलाया क्या नहीं
भाइयों को? नहीं माँ भाई ना भाइयों को किसको? नहीं मेरे बड़े बेटे को भी को रब्बानी को उसके बेटे को। तेरा मरने से पहले क्या नाम बोला था रे? नाम बोल। संजू। क्या? संजू। संजू अब क्या करूं तेरे साथ? सुन दो टुकड़े करूं क्या? जाने दो बोल। जाने दे। तू एक्सीडेंट ना करा ना मेरे को। कैसे एक्सीडेंट करा के तू मार दिया? तो गलत बात है ना ये। उन्हें बोला तेरे को लेके आ उसकी जान बोल के। क्या बोला? और जान लेके आ जा उसकी। हाँ मेरा सीधा हो जाएगा बोले तकर। अच्छा और मुझे एक बात बोल, तो उसके बेटे को कब मारने वाला रब्बानी के? उसको मेरे मरने के बाद उसको रब्बानी के बाद उसको मारने वाला। कितने दिन रब्बानी को मारने के बाद? कितने दिन के बाद? 15 दिन के बाद। अच्छा तो बच्चे को अम्मास में पुन्नम में कहीं मारने वाला? पुन्नम में अम्मास के 15 दिन बाद पुन्नम। ठीक है देखो ये सब गलत है ना, ये बहुत बुरी बात है ना, ये हसद जलन इतना भी खतरनाक किसी के वास्ते नहीं रहना ऐसा। इसको खिला के उसके आंग में छोड़ दिए, गलत बात है ना। यही अम्मास में उन्हें खुद मुंह से बोल रहा, क्या बोल रहा सुन लो तुम। उसके अम्मास के बाद फिर 15 दिन के बाद उन्हें बोला पुन्नम आती, पुन्नम में बच्चे का क्या बोल रहा उसके मुंह से सुनो। शायद मैं तो कुछ नहीं बोलता, मैं तो बैठा हूँ बेटा, मगर ये सब गलत है ना। एक दूसरे पे ऐसा करके तुम लोग क्या सोच रहे की अच्छा किसी का बुरा करके तुम्हारा तो अच्छा नहीं होने वाला है। तुम अगर किसी के वास्ते खड्डा खोद देंगे तो 100% तुम खड्डे में जाने वाले हैं डेफिनेटली। मत करो ऐसा, बहुत बहुत बेबुनियाद और गलत बात है ये, कि नहीं करना। ये हसद और जलन की वजह से तो अल्लाह ने जन्नत से इतने बड़े अजाजील को इबलीस बनाकर जमीन पे फेंका ना, फिर शैतान के मर्तबे छीन के। जलन तुम भी दिल में रखेंगे तो वैसे बनने वाले। तुम्हारी इबादत का क्या मतलब? तुम सोच रहे हम इबादत कर रहे हैं, हम सजदे में सर रख रहे, हम जादू किस पे भी चला के बच जाएंगे, तो गलत है ना फिर। बहुत गलत बात, तुम्हारी इबादत तो रद्द कर देता अल्लाह। और जादूगर को भी हराम की शर्म आना हो, नस्ली हराम को, कि उसके पेट में औलाद नहीं है, 5,000 रुपए लेके लोगों की जिंदगी ऐसे खराब कर दे रहा, एक्सीडेंट करके मार दे रहा, उसमें लानत नाजिल होंगी कमबख्त अल्लाह की। और तू बहुत दिन ज्यादा दिन बचने वाला नहीं है, तू लोगों की जिंदगी लेने की सोच रहा, तेरी जिंदगी उससे पहले हराम मौत मरेगा तू भी। तो और क्या पूछाने का है? कुछ पूछाने का क्या? चल रहे अब तोबा तोबा कर, जल्दी उठा दो ना हाथ, ऊपर दो ना हाथ उठा के तोबा करना। हाँ जल्दी सही तरीके से मारो क्या हमारा सामने इतने प्यार उसके। हाँ तोबा कर जल्दी, लिंगा बच्चे की जान उसकी। उल्टियां लगा के, मोशन लगा के सारी दवा बाहर निकाल के फेंकना। वैसे दवा कितने बार खिलाया वाली? एक बार, दो बार, तीन बार? दो बार। दूसरी बार कहीं में? दूसरी बार सालन में। कौन सा सालन था वो? चिकन। अच्छा देखो खाने वाने खाने लगे तो दुआ पढ़ के खाना। किसी घर को भी जाके तुम दुआ पढ़ के खा रहे तो तुम बिस्मिल्लाह तुम आपको बोल के खाना नहीं हो रहा। तुम अगर दुआ पढ़ के खेंगे और घर से दुआ पढ़ के निकलेंगे तुम अल्लाह के अमान में रहते, और तुम अल्लाह के अमान में रहेंगे तो अल्लाह तुम्हारे पे जादू टोने चलने नहीं देता। एक मामूली एक सेकंड का काम है दुआ पढ़ना। तुम एक और दो सेकंड की दुआ नहीं पढ़ते मगर तुम्हारी जिंदगी ऐसी लटक जाती, फिर इधर ना उधर, बीच में इधर शैतान ना लेके खेलते फिर। और कभी भी शैतान जान ले सकते हैं, उनके हाथ में जान लेना फिर जब उनके रिज्जे में तुम चले जाएंगे तो। और उससे पहले अगर तुम दुआ पढ़ के अगर खाएंगे तो कोई दवा तुम्हारे अंदर नहीं बढ़ सकते टके, क्योंकि तुमने अल्लाह को बीच में गवाह डाल दी कि अल्लाह तू हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी ले, हम जो खा रहे। तो जब तुम खाएंगे तो दवा तुम्हारे अंदर जाके बैठते, तुम वहां से सिर्फ 4 कदम हटते तुम आपको उल्टे होंगे ऑटोमेटिक और दवा निकल के चले जाएंगी खुदा पे, क्योंकि तुमने अपनी हिफाजत सौंप दिए थे। और तुम दुआ नहीं पढ़ के कहेंगे तो फिर ऐसा फंस जाते हैं, और बाद में शयातीन जब आंग में आते तो नमाज पढ़ने भी नहीं देते, इबादत भी नहीं करने देते। और उससे पहले उन्होंने इबादत और उससे पहले उन्होंने नमाज पढ़ सकते कंटिन्यू, जब तुम मुसलसल अगर इबादत करते रहेंगे तो बाद में तुम्हारे को क्या बोलते, तो कभी कभी कोई शयातीन कभी कोई वो चीज आकर टच नहीं कर सकती, क्योंकि तुम अल्लाह के अमान में। और जब तुम अगर नहीं पढ़ेंगे और ऐसा खा लेंगे शयातीन लग जाएंगे तुम, अगर उसके बाद इबादत करने जाएंगे तो नहीं होने देते वो इबादत। तो खास बात रहती शयातीनों की। चल रहे भाग निकल बाहर नाला छोड़ उसको। या क्या नाम है इनका? ओए रब्बानी
अब्बानी ये कौन है? ये चलो आ गया हूँ प्रहोश। खैर इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, ज्यादा ज्यादा तुम्हारे को ये बोलो हमें इससे ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं बोलता मैं एडवांस के बाद। हाँ क्या बोलूँ मैं, जो भी है देखना है देखो, लाइव में आके यहाँ बैठ के देखो फिर तुमको समझ में आती है। और असल बात ये है कि जिस पर बीतती उसको ही पता चलता, जिस पर नहीं बीतती उन्हें तो सुकून से बैठ कर छाँव में मजे लेता सबके। इसलिए अल्लाह से दुआ करो कि सबको अल्लाह अमान में रखे। चलो ठीक है, चलो आओ अगले कौन आ रहे। हाँ रोक दो, क्या कहाँ से आए थे? चलो उनका वो फॉर्म भर के रोक, ऐसा ही यहाँ से ऐसा बटन दबा के रोकते जाना। वो ये रोकने कितने बार आए थे तुम यहाँ पे? जोर से बोलो। पहली बार में हाजिर हुआ? हाँ क्या ऐसा रहता, किसी का पहली बार में हाजिर होता, किसी का दूसरी बार में हाजिर होता, किसी का तीसरी बार में हाजिर होता, सबके अलग अलग रहते। कौन है वो दो औरतें? खैर जिसके भी नाम निकले उनसे लड़ना झगड़ना नहीं, तुम जानो उन्होंने जानो, मेरा क्या है उसमें, मैं पढ़ा तुम्हारे आंग में कुछ चाहिए, उसने सवाल जवाब करा और कुछ नाम निकले। तुम्हारा कुछ याद है क्या नाम अपीमा? खैर एक मिनट, अब भी यहाँ जो हुआ तुमको याद है क्या कुछ, तुम्हारे आंग में कोई शय कुछ सवाल जवाब हुए तो? कुछ भी नहीं। अब वो वीडियो में आया वाला है, बाद में वीडियो में देखो तो तुम्हारा मालूम होता कौन लोग थे, क्या करे थे, तुम्हारे को बोलते कई में खिलाए थे, क्या क्या थी, वो तुम्हारे अंदर आके उन्हें सब बोल के गया, उसमें पूरा रिकॉर्ड है देख लो। और खाली इतना है कि वो लोगों से लड़ना, पीछे बात नहीं करना, आओ रिकॉर्डिंग तेरी बात मत करो, वो लोगों से लड़ना झगड़ना नहीं, जो भी है तो वो आ गया। खैर उनको उनका मार बरोबर पड़ती है, उनकी उनकी दास्तान जो भी है। अब तुम्हारे बच्चे के बारे में भी कुछ बोल रहा था वो अंदर, सुन लो क्या बोल रहा था। तो मैं तो मेरे मुंह से नहीं बोलता, खाली जो है पूछा था। हाँ फिर मजा थोड़ी मामले है, ये शैतानों की दास्तान, अभी देखे नहीं क्या हुआ था। तो कुछ याद है क्या तुम्हारा को? हाँ वो तुम्हारे पैरा पटक रहा था वांग में आके, उसके पैरों में मुंगिया लाली थी, पकड़ रहे थे ना पैरों को जंजीरों में, और उन्हें कुछ बोला उसमें रिकॉर्डिंग में है, तुम्हारे पैरों को तुम्हारे कई को क्या क्या घबराहट दी सब बोल रहा था उसमें रिकॉर्डिंग, सब सुन लो मालूम था तुमको। ठीक है कहाँ से आए थे जोर से बोलो? औरंगाबाद से। क्या नाम है? रब्बानी। यहाँ कितनी बार आए थे? पहली बार में जागा। तो ऐसा रहता किसी का पहली बार में आता, किसी का दूसरी बार में आता, किसी का तीसरी बार में आता, सबका अलग अलग रहता। लोग बोलते एक ही बार में हाजिर कर दो, सबकी अलग अलग दास्तान। अब उनका एक बार में आया सवाल जवाब हो गए खत्म, रफा दफा मामला। अब जो बचे आला जो भी, तो वो अमल करा के दवा पे हमारी खींच के निकाल के फेंक देते। क्या बोलते हैं बोलो, उनको बताना है तो वो नहीं, जैसा कि तुम क्या बोलना चाह रहे, कुछ बोलना चाह रहे? आप क्या करते? अच्छा आप कैसे? चलो अच्छी बात, चलो आगे आ जाओ अगला नेक्स्ट पेशेंट।